ये देखिए दोस्तों, काले चने हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और इसका एक एक दाना मसालों से लिपटा हुआ है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अष्टमी पर और कन्या पूजन के लिए माता रानी को भोग लगाने के लिए काले चने बनाएंगे। काले चने बनाने के लिए यहाँ मैंने काले चने को 7 से 8 घंटे के लिए धोकर पानी में भिगो दिया था और ये देखिए चना पानी में अच्छे से फूल गया है और ये देखिए चना फूल के डबल हो गया है। और चलिए अब हम एक कुकर लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कुकर को गर्म होने देंगे और इसमें चना डालेंगे। चना डाल करके हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे पानी को हम गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाकर तेज आंच पर हम इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे। काले चने का हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा जावित्री का, 4 से 5 लौंग और 3 से 4 टुकड़ा दालचीनी के। और अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में डाल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हल्के से रोस्ट कर लेंगे, जिससे मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे और ये फ्रेग्रेंस भी हो जाएंगे। अष्टमी पूजन के लिए आप इस तरीके से फ्रेश मसाले बना करके आप चना बनाएंगे तो चना आपका बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा। मसाला हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं और अब हम इसमें 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ डाल करके हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे चलाते हुए कढ़ाई में अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। अब हम इसे चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है और अब हम इसे खोल लेंगे और ये देखिए चना हमारे पक गए हैं, लेकिन हम इसे चेक कर लेंगे और हम इसे हाथ में लेंगे और इस तरह दबाएंगे और ये देखिए चना हमारा बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। चना कुकर में से निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकाल देंगे। मसाले ग्राइंड करने के लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से क्वांटिटी में मसाले बनाए हैं। अगर आपका ग्राइंडिंग जार मसाले नहीं पीस पाएगा तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और अब हम ढक्कन लगा करके मसाले को ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। हमें चना बनाने के लिए ऐसा ही पाउडर बनाना है मसालों का। और चलिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को एक बार फिर से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई और तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच या 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे। जीरे को तेल में चटकने देंगे और अब हम इसमें काले चने डालेंगे। काले चने डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे चने को हम 20 से 30 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे चना तेल में अच्छे से भुन जाएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और अब हम इसमें बनाया हुआ मसाला डालेंगे। यहाँ मैंने सारे मसाले चने में डाल दिए हैं और अब हम इसे भी मिलाते हुए हाई फ्लेम पे 20 सेकेंड के लिए भून लेंगे, जिससे मसाले चने में अच्छी तरह मिल जाएगा। और ये देखिए चना हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिल गया है। और अब हम चने में 1 चुटकी या 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने चने को उबालते समय भी डाला था, तो आप नमक का कम यूज़ करें। और अब हम नमक और हल्दी को चने के साथ मिला लेंगे। चने में मसालों का फ्लेवर अंदर तक आए, इसके लिए हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और ये देखिए 5 मिनट हो गया है, चना हमारे बहुत अच्छे से मसालों के साथ पक गए हैं और आप देख सकते हैं चना मसालों के साथ लिपटा हुआ है। और चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसमें 2 हरी मिर्च और डालेंगे। हरी मिर्च डालकर हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे।
दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और चलिए चने को अब हम प्लेट में सर्व कर लेंगे और इस तरीके से चना बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं। सभी को नवरात्रि और दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्र, अष्टमी और कन्या पूजन के लिए चना बनाने का ये सबसे आसान और इजी तरीका है। और इस तरीके से आप चना बनाएं, आपके चना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ।